हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से कितना ही सुंदर सा ये डोरमैट बनाया है। इसे मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है और ये डोरमैट हमारा काफ़ी जल्दी बनके तैयार हो गया है। काफ़ी मजबूत है ये, बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो चलिए इस डोरमैट को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इन साड़ियों की हेल्प से डोरमैट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर साड़ियाँ ली थी, उसमें से मैंने यहाँ पर ये एक एक इंची की स्टेप कट कर ली है। ये देखिए, एक इंची की। इसी तरह से मैंने वाइट वाली साड़ी ली थी। तो आप इसे एक ही कलर का बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे और भी कलरों का भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो कलर लिए हुए हैं, आप कोई और कलर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सिलाई ली हुई है, ये मैंने 9 नंबर की सिलाई ली है। तो अब हम सबसे पहले एक सिलाई लेंगे और इसमें हम फंदे डालेंगे। आपको जितना बड़ा भी बनाना है उतने आप इसमें फंदे डाल सकते हैं। इस तरीके से नॉट लगा लिया और हम इस तरीके से उंगली और अंगूठे के बीच में रखते हुए इस तरह से इसमें फंदे डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 25 फंदे ले रही हूँ, इसमें 26 सॉरी। तो मैंने यहाँ पर इसमें 26 फंदे डाल लिए हैं। तो अब हम इन फंदों को बुनेंगे। तो क्या करेंगे कि फंदे के अंदर हम सिलाई को डालेंगे और इसके ऊपर से हम स्ट्रिप को इस तरह से निकालेंगे। तो इसी तरह से हमें ये सारे फंदे बुनने हैं यहाँ तक। तो मैंने इन सारे फंदों को बुन लिया है। तो हम इधर से फिर से ऊपर की साइड में लेकर आएंगे। आप चाहे तो यहाँ से भी इन फंदों को घटा बढ़ा सकते हैं। तो मैं इस सिलाई को फिर से ऊपर की साइड में बुनते हुए लेकर आऊँगी। तो इसे भी मैं बुन लेती हूँ। तो मैंने ऊपर की साइड में बुन लिया था, अब मैं ऊपर से नीचे की साइड में बुनते हुए ले जा रही हूँ। तो मैंने इसे नीचे की साइड में भी बुन लिया है। तो मैंने यहाँ पर ये दो फंदे छोड़ दिए हैं। तो ये देखिए, दो फंदे छोड़ दिए हैं। तो यहाँ से हम अपनी स्ट्रिप को सिलाई के नीचे से टर्न कर देंगे। अब हम इन सभी फंदों को ऊपर की साइड में बुनते हुए ले जाएंगे और फिर से हम नीचे की साइड में बुनते हुए लेकर आएंगे। तो इनको मैं ऊपर की साइड में बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, अब मैंने इसे ऊपर की साइड में बुन लिया है। तो अब हम ऊपर से और नीचे की साइड में बुनते हुए ले जाएंगे। जहाँ पर हमने इन फंदों को छोड़ा है उस साइड में हम यहाँ से बुनते हुए लेकर आएंगे। तो इसे भी हम बुन लेते हैं। तो पहले मैंने इन दो फंदों को छोड़ा था, अब मैं इन दो फंदों को छोड़ रही हूँ। फिर से इसे टर्न कर लूँगी और इन सिलाइयों को भी घुमा लेंगे हम। अब मैं फिर से ऊपर की साइड में बुनते हुए लेकर आऊँगी, फिर से हम नीचे की साइड में लाएंगे। तो हर सिलाई पे हम जब हम नीचे की साइड में बुनकर लेकर आएंगे तो हर सिलाई पे हमें दो दो फंदे छोड़ने हैं, यानी कि ऊपर की साइड में नहीं छोड़ने हैं। जब हम नीचे की साइड में बुनकर लाएंगे तब हमें हर सिलाई में दो दो फंदे छोड़ने हैं, जिस तरह से मैंने पहले छोड़े थे फिर उसके बाद एक और छोड़े हैं। तो हमारे टोटली 4 फंदे यहाँ पर छूट गए हैं। तो इसी तरह से अब हम ऊपर ले जाएंगे, फिर ऊपर से हम नीचे की साइड में बुन कर लाएंगे, फिर हम दो फंदे छोड़ेंगे। तो ऐसे ही हम इन सभी फंदों को छोड़ कर यहाँ पर दो फंदे कर लेंगे। तो दो दो फंदे छोड़ते हुए ये देखिए,
यहाँ पर क्लियर दिख रहे हैं। पहले हमने इन दो फंदों को छोड़ा, फिर से ये, तो इसी तरह से दो दो फंदे छोड़ते हुए हमारे ये दो फंदे बच गए हैं, तो इनको भी हम ऊपर की साइड में बुन लेंगे। तो ये देखिए, तो ये हमने सारे फंदों को छोड़ लिया है। तो अब हम इन सभी फंदों को एक ही सिलाई में बुन लेंगे। अब हमें ना छोड़ने हैं इसमें और ना ही कुछ करना है, सभी फंदों को हमें इसमें बुनना है। तो इस वाली सिलाई में हम सभी फंदों को बुन लेते हैं। तो इन फंदों को, सभी फंदों को मैंने बुन लिया है। अब हम यहाँ तक बुन कर लेके आएंगे इन फंदों को, जिससे कि हम इसमें दूसरा कलर लगा सकें। तो इसे भी हम ऊपर की साइड में बुन कर ले जाएंगे। ये देखिए, इन सभी फंदों को मैंने नीचे से ऊपर की साइड में भी बुन लिया है। तो अब हम ये जो ग्रीन वाली स्ट्रिप है, इसे हम कट कर देंगे। इसमें अब मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। तो अब मैं यहाँ पर इसके कॉम्बिनेशन में वाइट कलर ले रही हूँ, तो उस वाइट कलर को लगाऊंगी। आप कोई और भी कलर ले सकते हैं, या फिर आप एक ही कलर का इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे टर्न कर लेंगे और यहाँ पर हम ये वाइट वाली स्ट्रिप लेंगे और इसके अंदर हम इसे इस तरह से रैप कर लेंगे ग्रीन को, जिससे कि ये यहाँ से दिखेगा नहीं। तो इस तरह से, तो अब हम इसे भी यहाँ से बुन लेंगे। तो इसे भी हम यहाँ तक पूरा बुन लेते हैं नीचे तक, और इसमें हम दो फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ पर भी हमने इसमें दो फंदे छोड़ दिए हैं। तो अब हम स्ट्रिप को यहाँ से टर्न कर लेंगे। तो अब हम फिर से ऊपर की साइड में बुनते हुए ले जाएंगे इसे। तो इसी तरह से हमें, जैसे हमने ग्रीन वाले में अपने दो दो फंदे छोड़े थे, इसी तरह से हमें ये वाइट में छोड़ने हैं। तो जो हमारी कली की डिजाइन है, इस तरह से ये ऐसे ही वाइट वाली में आएगी, जब हम दो दो फंदे छोड़ेंगे, जब भी हमारी ये डिजाइन आएगी। तो ये देखिए, पहले मैंने दो फंदे छोड़े, फिर से मैं दो फंदे छोड़ रही हूँ। यहाँ से शिव को टर्न कर लूंगी और इसे भी पूरा ऊपर की साइड में बुन लूँगी, फिर से नीचे की साइड में बुन कर लेके आऊँगी, फिर से दो फंदे छोड़ूंगी। जिस तरह से मैंने ग्रीन में छोड़े हुए थे, वैसे ही मैं इसे वाइट में छोड़ूंगी, जिससे कि जो हमारी कली है वैसी डिजाइन आएगी। तो ये देखिए, इसमें भी मैंने ये दो दो फंदे छोड़कर इन सभी को बुन लिया है। तो यहाँ पर भी दो फंदे हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसमें भी हमारे दो दो फंदे छोड़ते हुए हैं। तो ये देखिए, जिस तरह से ये वाली डिजाइन बनी हुई है, इसी तरह से हमारी ये डिजाइन बन गई है। तो अब हम इन सभी फंदों को ऊपर की साइड से नीचे की साइड बुन कर लेके आएंगे, फिर नीचे की साइड से ऊपर की साइड में बुन कर लेके आएंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पर इन सभी ग्रीन फंदों को छोड़ा हुआ था और यहाँ पर इनको बुन लिया है। तो इसे भी हम बुन लेते हैं। ये देखिए, ये कली भी हमारी बनके तैयार हो गई है और इन सभी को हमने बुन लिया है। तो अब हम फिर से दूसरा कलर लगाएंगे इसमें। तो इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ से इसे कट कर दिया है। तो अब हम इसमें ग्रीन वाला लगाएंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पर लगाया था, जैसे मैंने वाइट वाले को लगाया है, उसी तरीके से हम ग्रीन वाले को लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें इसे सर्कल में पूरा बना के तैयार करना है। तो इसे हम बना लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने पूरा सर्कल में बना लिया है।
छह कलियां ग्रीन की बनाई हुई हैं, तो छह कलियां मैंने यहाँ पर व्हाइट की बनाई हुई हैं। टोटल इसमें 12 कली बनी हुई हैं, तो इसे मैंने यहाँ तक पूरा बना लिया है। तो अब हम इसके फंदे उतारेंगे जिससे कि हम इसे यहाँ पर सिल सकें। तो अब हम इसके फंदे उतारेंगे, तो दो फंदों में हम सिलाई डालेंगे इस तरह से और इनको हम बुन लेंगे। तो दो का हमने एक कर दिया और इस एक फंदे को हम इसी सिलाई में उतार देंगे। तो ये देखिए इसी सिलाई में उतार दिया, इसे मैंने खाली रखा है। फिर हम दो फंदे लेंगे और दो का एक कर देंगे और फिर हम इस फंदे को इसी सिलाई में उतार देंगे। फिर से हम दो का एक करेंगे। ये देखिए दो का एक करते हुए हमने सभी फंदों को उतार दिया है। तो इस तरह से लूप बन गया है, एक फंदे को हमने निकाल लिया है। इसमें से हम स्ट्रिप को निकाल कर और इसे हम अच्छे से खींच देंगे। तो ये देखिए हमारा ये सर्कल पूरा बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम दोनों में नॉट लगा देते हैं। तो ये देखिए मैंने इस सर्कल को पूरा बना लिया है। तो अब हमने ये पूरा सर्कल बना लिया है, तो अब हम इस डोरमैट को सिलेंगे। तो पहले मैं इन सभी को सर्कल को सिल लेती हूँ यहाँ से, जिससे कि जो हमारा ये बड़ा सा छेद है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये देखिए पहले हमारा कितना बड़ा छेद था, अब हमारा ये छोटा छेद रह गया है। तो अब हम इसे यहाँ से पूरा सिल लेते हैं। आप इसे इस तरीके से भी सिल सकते हैं या फिर यहाँ पर कोई भी फ्लावर पॉम पॉम बनाकर भी इसमें लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पॉम पॉम लगाऊंगी। तो अब मैं इसे पूरा यहाँ तक सिल लेती हूँ। तो मैं इसे ऊन के धागे से सिल रही हूँ, आप चाहे तो इसे रील के धागे से भी सिल सकते हैं, बट ऊन से सिलने से ये काफ़ी मजबूत बनता है, खुलेगा नहीं, तो इसलिए मैं इसे ऊन से सिल रही हूँ। तो इसे मैंने पूरा सिल लिया है, तो अब हम इसे सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ये डोरमैट बनके तैयार हो गया है। आप चाहें तो ये जो होल है यहाँ पर कोई भी पम पम लगा सकते हैं या फिर आप इस होल को इस तरह से भी सिल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा डोरमैट बनके तैयार हो गया है। तो मैं यहाँ पर ऊन से पम पम बनाकर इसमें लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर रेड कलर की ऊन ले ली है और तीन फिंगर्स लेंगे और इस पर हम ऊन को रैप करेंगे। तो यहाँ पर 20 से 13 बार हम इस ऊन को रैप कर लेंगे। आप कोई भी कॉम्बिनेशन में आप ऊन को ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ऊन को रैप कर लिया है। थोड़ी सी ऊन हम इसमें से काट लेंगे जिससे कि हम यहाँ पर इसे बांध सकें। आप चाहें तो इसे यहाँ से कट कर सकते हैं दोनों साइड से, आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक फ्लावर जैसा ही बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो इसे हम यहाँ पर सिल देंगे। तो कोई भी धागा ले लेंगे, तो पीछे की साइड से करते हुए हम इसे सिल देंगे। तो ये देखिए इसे मैंने सिल दिया है और ये डोरमैट हमारा बनके तैयार हो गया है। तो ये देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है। इसी तरह से आप इसे और भी बड़ा बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का बनाया हुआ है। इसे आप 40 से 50 फंदे का भी बना सकते हैं, जिससे ये काफ़ी बड़ा बनेगा और कितना ही सुंदर लग रहा है। ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन रखा है, आप और भी कोई कलर का भी रख सकते हैं।
तो आपने देखा होगा वेशभूषा साड़ियों से हमने कितना ही सुंदर सा ये डोरमैट बना लिया है, वो भी हमने बहुत ही आसान तरीके से बना लिया है और ये डोरमैट हमारा बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।